September, marking the declaration of Hindi language as official language of Union Government of India. On 14 September 1949, Hindi was adopted as the official language in India. Hindi hai hamari rasht bhasha. Hindi hai hame badi pyari. Hindi ki suneri vani. Hame lage har pal pyari. Hindi divas ki shubha manaye. Namaskar. Jan jan ki bhasha hai Hindi. Bharat ki aasha hai Hindi. इसने पूरे देश को जोड़े रखा है, वो मजबूत धागा है हिंदी। हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी। जिसके बिना हिंद दम जाए, ऐसी जीवन रेखा है हिंदी। जिसके काल को जीत लिया है, ऐसी कालजयी भाषा है हिंदी। सरल शब्द में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी। धन्यवाद। हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। गुड मॉर्निंग। हिंदी इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन लैंग्वेज स्पोकन अक्रॉस द कंट्री एंड स्पेशली इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया। अडॉप्टिंग अ लैंग्वेज दैट इज वाइडली स्पोकन टू बी एन ऑफिशियल लैंग्वेज इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अवर हिस्ट्री एंड द रीजन व्हाई पीपल सेलिब्रेट इट विद अ लॉट ऑफ ज़ील एंड एंथुसियाज्म। The President awards the contributions to the civilians who have made incredible endowment in the Hindi language in their Rashtrapati Bhavan. Everybody, be it children or adults, remember this day and commemorate our forefathers' effort and contributions. Schools and colleges also hold competitions. And Indian schooling competitions were organized. Competitions like singing, elocution, speeches, essay writing and poem recitation happen in Hindi. Hindi is a beautiful language. On this day, people remember the history to make one of the modern languages of today and to make pride for our country's culture. Thank you. Namaskar, mera naam Aftab Ahmed. Aap sabhi ko Hindi Divas ki hardik shubhkamnaen. भारत देश में हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 में हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला। भारत में पहला हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया। इस दिन का मुख्य उद्देश्य हिंदी भाषा का प्रचार और प्रसार बढ़ाकर उसका विकास करना है। हिंदी विश्व की प्राचीन समृद्ध तथा महान भाषा होने के साथ भारत की राष्ट्रभाषा है। हिंदी भाषा पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधती है। इस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा हिंदी संबंधित क्षेत्रों में बेहतर काम करने वाले लोगों और संस्थाओं को पुरस्कृत किया जाता है। इस दिन सरकारी विभागों, स्कूल, कॉलेज आदि में हिंदी संबंधित विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, जो विश्व की सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है। हमें अपने राष्ट्रभाषा हिंदी का सम्मान करके अपने देश को आत्मनिर्भर बनाना होगा। धन्यवाद। मिस्री से भी मीठी है जो, वो मेरी हिंदी भाषा है। दिल से दिल को जोड़े जो, जिससे जुड़ी हर आशा है। मिस्री से भी मीठी है जो, वो मेरी हिंदी भाषा है, वो मेरी हिंदी भाषा है। अंग्रेजी भी पढ़ती हूँ मैं, पर लगाना उसमें मेरा ध्यान। हिंदी ही मेरी पहचान, हिंदी ही मेरी मुस्कान। जो बोल रहे हैं इस भाषा को, होती बड़ी निराशा है। मिस्री से भी मीठी है जो, वो मेरी हिंदी भाषा है, वो मेरी हिंदी भाषा है। लोरी सुनाए माँ हिंदी में, भजन हिंदी में गाती है। प्यार मोहब्बत बारा में जिसमें, मीठे गीत सुनाती है। फले फूले ये आगे बढ़े, मेरे दिल की यही अभिलाषा है। मिस्री से भी मीठी है जो, वो मेरी हिंदी भाषा है, वो मेरी हिंदी भाषा है। धन्यवाद। नमस्ते। हिंदी दिवस। हर भारतीय की शक्ति है हिंदी, एक सहज अभिव्यक्ति है हिंदी। हिंदी है हम अपनी राष्ट्रीय भाषा को नीचा मत होने दो, ये हमारा गौरव है। जय हिंद। हिंदी इस देश की आत्मा है,
राष्ट्रीय व्यवहार में हिंदी को काम में लाना देश की उन्नति के लिए आवश्यक है। महात्मा गांधी समस्त देशवासियों को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। नमस्ते। यदि आप सूर्य की तरफ चमकना चाहते हैं, तो पहले सूरज की तरफ गला और घूंट को। If you want to shine like a sun, first burn like a sun. Words by EPG अब्दुल कलाम। धन्यवाद। मेरे आँखें कहाँ दिल में राख हो गया, आशिकों की गली में गजब हो गया। दिन संग गुजरी रातें भी मेरा चैन खो गया। चलो माना मुझे प्यार तगड़ा यार हो गया। मैं चली देखो प्यार की गली, मुझे रोके ना कोई। मैं चली हाँ 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 मेरी जान, मुझे जाना है वहाँ। मेरा प्यार हो जहाँ वही मेरा जहाँ। नमस्ते। एम ऑफ हिंदी दिवस सेलिब्रेशन भारतीय हिंदी दिवस का लक्ष्य इस प्रकार है। हिंदी भाषा का अधिक से अधिक विकास करना, जन जन तक इसे पहुंचाना। संपूर्ण विश्व में हिंदी भाषा का विकास एवं उत्थान करना। हिंदी अनेकता में एकता का बोध कराती है। यह पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधे हुए है। भारत जैसे विशाल अनेक समाजों, राज्यों, क्षेत्रों, विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों, वर्गों को हिंदी भाषा एक साथ जोड़ती है, इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। यह संपूर्ण देश में विचारों का आदान प्रदान करने में सहायक है। धन्यवाद। तो तनुज, तुम्हें मालूम है आज हिंदी दिवस है? हाँ, मुझे मालूम है। आज मैं तुमसे कुछ सवाल पूछता हूँ। हाँ, ठीक है। तनुज, हिंदी भाषा में कितने स्वर और व्यंजन हैं? 11 स्वर और 35 व्यंजन हैं। दूसरा सवाल, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी की पहली कविता किसने लिखी थी? क्या तुम्हें प्राचीन काल के कवियों के नाम जानते हो? हाँ जी, तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास। दो सबको हिंदी दिवस की शुभकामनाएं।